आज मैं घूमने के लिए आया था बीच पर, लेकिन मुझे पता चला कि इधर कोई समुद्री जीवों का सूर को सेल कर रहा है। और इनमें से एक सूर देखो कितना बड़ा है, वो भी गोल्डन कलर का। लेकिन ये सारे लोग मेरे से पहले कैसे पहुंच जाता है? भाई साहब, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। खैर जो भी हो, देखते हैं क्या क्या चीज़ों को सेल कर रहा है। ओके, ये तो एक नॉर्मल से शार्क का सूट भी सेल कर रहा है। क्या मैं इसको पहन के स्विम कर सकता हूँ? पता नहीं, लेकिन इधर सूट सेल हो रहा है और मैं इनको बाय ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ही हूँ जो सारे के सारे सूट को बाय कर सकता है, इसलिए मैं ही सब सूट को बाय करूंगा। अच्छा, तू सारे सूट को बाय करना चाहता है? तेरे सपने तो काफी बड़ा है, लेकिन तुझे पता है इधर सूट की प्राइस कितना ज्यादा है? इधर नॉर्मल सार की प्राइस है $100। उधर से शुरू होकर हमारे पीछे है गोल्डन जायंट सार्क, इसकी प्राइस है $10 मिलियन। और तू चाहता है सब सूट को बाय करना? चल ठीक है, अपने पास जितना पैसा है निकल, देखते है तू कितने सूट को बाय कर सकता है। अच्छा, उस पहले सूट की प्राइस है $10 मिलियन और मेरे पास है से $100। अबे यार, मेरे पास सिर्फ $100 ही है। बस $100 लेके तू आया था इतने सारे सूट को बाय करने के लिए? हाँ, खैर $100 दे और जाकर उस नॉर्मल सार की सूट को ले ले, उसको पहन के तू समंदर में स्विम तो कर पाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, अपन इसको $100 दे दिया है। ये वाली सूट में वैसे भी क्या बुराई है, सार का ही तो सूट है। और ऊपर से उसने बताया कि अपन सार के सूट को पहन कर समंदर में जा सकते हैं, तो चलो इस सूट को अपन ले लेते हैं। इस सार के सूट को लेकर मैं आ चुका हूँ समंदर के पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसको जमीन के ऊपर पहन लूँ या फिर पानी में जाकर पहनूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको जमीन के ऊपर पहन लिया तो शायद मैं चल नहीं पाऊंगा। अरे एक सेकंड रुको, इधर कोई रो रहा है, इधर क्या हो रहा है? ए आंटी जी रो रहा है और ये बंदा भी कुछ अपसेट लग रहा है। ओ हेलो, तुम लोग इधर रो क्यों रहे हो? अरे भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, हम लोग अपने बेटे को लेकर आए थे बीच के पास, लेकिन अचानक से समंदर के बहाव में हमारा बेटा खींच के चला गया है। उसको सही से तैरना भी नहीं आता और इतने बहाव में हम लोग भी जा नहीं सकते। कोई मेरे बेटे को बचाओ। अबे ये लोग के पागल है, छोटे बच्चे को लेकर आ चुके समंदर के पास। ठीक है, तुम लोग वेट करो, मैं मेरी सूट को लेकर चलता हूँ। चलो आज ही सूट का टेस्ट भी हो जाएगा, अपन फटाफट से इसको लेके चलते हैं समंदर में। लेट्स गो। ऑल राइट, अपन आ चुके समंदर के अंदर। भाई साहब, मैं अभी पानी के नीचे सांस भी ले सकता हूँ। $100 में काफी खतरनाक सूट मिला है, लेकिन वो बच्चा है कहाँ पर? ओके, ये रहा शायद उबले बच्चा, बट ये क्या है, उसके नीचे तीन तीन सार्क है। एक सेकंड रुक जाओ, ये सार्क बातें कर रहा है और इनकी बातें मुझे समझ आ रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई, इस सूट में कैसे कैसे फीचर्स है? अरे भाई लोग, हमारे ऊपर एक बच्चा आ गया है, इसकी साइज छोटा है लेकिन हम लोग मिल के इसको खा सकते हैं। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, किसी को भी ज्यादा नहीं मिल रहा, हम तीनों मिल के खाएंगे, ठीक है? अब इनकी ऐसी की तैसी, ये लोग तो इस बच्चे को बांट के खाने की बात कर रहा है। ओए, तुम लोग इस बच्चे को खा नहीं सकते, इसको बचाने के लिए मैं आया हूँ। अरे तू कौन है, तुझे तो हम लोग पहले नहीं देखे थे। खैर, तुझे अगर खाना है तो हमारे टीम में आ जा, थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, नहीं तो बाजू हट। अबे ये लोग तो मेरी बात मान ही नहीं रहे, ये लोग उस बच्चे को खा के दम लेंगे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। उसकी मॉम डैड उसके ऊपर इंतजार कर रहा है। अबे कुछ भी हो जाए, तुम लोग उस बच्चे को खा नहीं सकते। अच्छा, तू हमें सिखाएगा हम लोग किसको खा सकते हैं और नहीं? ओए, ये कुछ ज्यादा ही साना बन रहा है, पहले इसको मारो फिर उस बच्चे को खाएंगे। भाई यार, ये किस तरह की मुसीबत है, सच में लोग मुझे मारने लग गए, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं चला कि मैं असली का सार्क भी नहीं हूँ। खैर जो भी हो, थोड़ा सा अपन दूर आ जाते हैं, कहीं ये लोग मुझे मारने के चक्कर में बच्चे को ना खा जाए। भाई क्या ही काट रहा है, बड़ी सूट की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, ज्यादा लग नहीं रहा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं भी ऐसे उसको काट सकता हूँ। सूट की पाव तो काफी ज्यादा कमाल का है। चलो इसको मैंने मार के भगा दिया है, लेकिन मैं एक को मार रहा हूँ, एक आके मुझे काट रहा है। भाई दोनों मिलके काट रहा है, अबे छोड़ दे यार, मुझे एक एक करके इनको हराना होगा। कमॉन निकल इधर से। चलो एक को हरा दिया है, बाकी दो बच रहा है, तू भी ले। चलो इसको भी फेंक दिया, कमॉन एक का बहुत हो गया तुम लोगों की, बच्चों को खाओगे तुम लोग। चलो इसको भी हरा दिया शायद, यस इसका भी खेल खत्म। आप भी ये आखिरी वाला बच रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्या ही मार रहा है मुझे, तेरी तो ये ले तू। कमॉन एक का, भाई ये छूट कैसे गया, लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्से में मुझे काटे जा रहा है। गाइस, इसको हराने के लिए आप लोगों की लाइक चाहिए, आज हम लोग लाइक गेम करते हैं 5000 लाइक का, तो लाइक जरूर करो। और मैं इसको थोड़ा सा सबक सिखाता हूँ, बहुत हो गया तेरा, ये मुझे काट काट के नीचे लेके आ गया है, कमॉन मर जा। ऑलराइट, फाइनली शायद अपन इसकी गेम बजा दिया है, यस
ए भी क्या, चल निकल इधर से। अभी मैं चलकर उस बच्चे को लेकर चलता हूँ उसकी मॉम डैड के पास। मुझे इसको धीरे से पकड़ना होगा क्योंकि इस सूट की पावर भी बहुत ही ज्यादा है। चलो इसको अपने पकड़ लिया है, इसको अपन लेके चलते इसकी मॉम डैड के पास। ए रहा इसका मॉम डैड। ऑल राइट, इसको मैं लेके आ चुका हूँ इधर। ए रहा तुम्हारा बेटा। मुझे नहीं पता मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करो, तूने मेरे बेटे को बचा लिया है। ए ले तू $10,000, एक छोटा सा अमाउंट मेरे बेटे को बचाने के लिए। अबे यार सच में इसने मुझे $10,000 दे दिया है। मुझे तो सूट का फायदा फूल मिल चुका है। सूट से अपने एक बच्चे को बचा लिया है, ऊपर से मुझे पैसा भी मिल चुका है। चलो अपन फटाफट चलते हैं एक और सूट को बाय करने के लिए। भाग कर अपन आ चुके इधर। ओए इस बार मैं लेके आया हूँ $10,000। अब बता मुझे $10,000 में कौन सा सूट मिलेगा। क्या बात है, पहले तो तू $100 लेके आया था, अभी लेकर आ चुका है $10,000। चल ठीक है, 10,000 में तुझे ये वाली हेमरेड सार की सूट मिलेगा। चल पैसा दे और इस सूट को ले। चलो ठीक है, ये वाली सूट भी बुरा नहीं है, ये तो इंसान वाली सार्क है। और एक सेकंड रुक जाओ, इसके पहले एक और सूट था, ये वाली सूट, ये इतना जल्दी सेल हो गया, किसने बाय कर लिया है। खैर जो भी हो, ये वाली सूट को अपन लेते हैं। ऑल राइट, अपन इस वाली सूट को पहन लिया है। और ये वाली सूट तो देखने में कितना अच्छा था, ऑसम है, लेकिन इस सूट के अंदर कोई पावर है क्या। यस, अपन बहुत तेजी से भाग सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं, ऊंची वाली जंप भी लगा सकते हैं। लेकिन इधर क्या चल रहा है, इतने सारे पुलिस के गाड़ी और कितने सारे पैसा भी दिखाई दे रहा है। बट इधर हुआ क्या है, काफी सारे पुलिस की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। भाई कुछ तो चल रहा है, इधर ट्रैक के अंदर भी इतना पैसा है और नीचे पैसा बिखरा हुआ है। ओके, ये लोग इधर इस ट्रैक को लूटना चाहता है, इनकी ऐसी की तैसी। कमान ये ले तू, ट्रैक लूटेगा, कमान। एक क्या भाई, ये क्या है, मैंने इसको मारा, अभी इसकी पूरी खानदान आ चुके मुझे मारने के लिए। कितने सारे गुंडे है, बट मैं भी कम नहीं हूँ, मेरे सुर में भी काफी ज्यादा पावर है। एक खा, चलो इसको गिरा दिया है, अभी उठ के खड़ा हो रहा है। चलो आप तो पूरा क्या, इन लोगों की इतनी हिम्मत, पूरी गैंग लेकर आ चुका है पैसों को लूटने के लिए। वैसे पैसा भी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए लोग आए। भाई साहब इधर की रोड को भी ब्लॉक करके रखा है तुम्हारी तो। कमान कमान छुपोगे कहाँ पर, ए ले इधर से मैंने लात मार दिया है। और तू क्या बचाएगा, ये भी क्या। ओके कुछ पुलिस वाले भी आ चुके हैं अपनी हेल्प के लिए। चलो चलो पुलिस वालों की हेल्प लेते हैं और इनको जल्दी मारते हैं। कमान ए मारा, एक साथ दो दिन की उड़ा दिया है। ऑल राइट, ए ले तू, जंप कर कर मैंने इसको लात मार दिया है, अभी भी एक बच रहा है। ये तो मिनी गन लेके मार रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, इनके पास इतना खतरनाक गन आया कहाँ से। अबे उठ के कहाँ खड़ा हो रहा है, सबके पास ऐसा मिनी गन है। चल ए ले तू, चलो एक गया और एक इधर छुप रहा है। अबे छुप छुप के मार रहे लोग तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो मैं भी आ चुका हूँ, अब छुप के दिखा, चल तू भी ले। ऑल राइट, ये तो क्या, अब ये ज्यादा नखरे कर रहा है तुम्हारी तो। एक खाओ तुम लोग, ये एक झटके में तीनों को उड़ा दिया है। अभी ये शायद अकेला बच रहा है, इसको तो मैंने मारा है, फिर भी उठ के मार रहा है तू, तेरी तो, तुझे भी मैं दीवार में चिपकाऊंगा। चलो ये भी क्या, सबको शायद अपने मार दिया है। यस, अरे ये क्या, पुलिस वाले भी सबके सब मर गए, मतलब गुंडे भी मर गए, पुलिस वाले भी मर गए। तो फिर इन पैसों की मालिक कौन है, कोई भी नहीं है। चलो यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अब सबके सब मर गए तो मैं ही सारे पैसा ले लेता हूँ, इससे पहले कि फिर से पुलिस वाला आ जाए। चलो इधर पैसा तो बहुत सारे रखा हुआ है, अपन सारे के सारे पैसों को ले लेते हैं। अपन ने पूरी पैसों को साफ कर दिया है, अब जो नीचे पड़ा है इनको छोड़ो, जल्दी से निकलो इधर से। और मुझे मिला है पूरा $1,000,000। अभी मैं चलकर एक और सूट को बाय करता हूँ, लेट्स गो। ऑल राइट, अपन जंप कर आ चुके इधर, सही टाइम पे आया हूँ, अभी भी एक भी सूट सेल नहीं हुआ। ओए इस बार मैं लेकर आ चुका हूँ $1,000,000। अब बता $1,000,000 में कौन सा सूट मिलेगा। इतना जल्दी जल्दी तू पैसा लेके कैसे आ रहा है, खैर जो भी हो, $1,000,000 में तुझे मिलेगा इंसानी मगरमच्छ का सूट, मेरे पीछे रखा है, पैसा दे और उसको ले। ऑल राइट ठीक है, $1,000,000 में अपन को मिल रहा है ये वाली सूट। ये वाली सूट तो काफी ज्यादा बड़ा है, खैर कोई नहीं, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। सच में ये वाली सूट कितना ज्यादा बड़ा है, मेरे साइज तो देखो, क्या इसके अंदर कोई पावर है। यस, इससे भी मैं तेज भाग सकता हूँ, मतलब बहुत तेज, गाड़ी को एक झटका मार के उड़ा ही दिया है, देखते अपन कितना ऊंचा जंप लगा सकते हैं। भाई साहब क्यों ऊंची वाली जंप लगा दिया है, और उधर क्या चल रहा है, कुछ तो हो रहा है उधर। चलो मैं भाग के पहुंच जाता हूँ, एक झटके में अपन उधर पहुंच जाएंगे, देख रहे हो। ऑल राइट, आ चुके अपन, पहुंच गए इधर। लेकिन इधर चल क्या रहा है, इतना खतरनाक वाली रैंप है कि क्या चीज है,
और दो लोग इधर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे लगता है इन सब का ऑर्गेनाइजर यही है क्योंकि इसके हाथ में ही कागज और पेन है। ओए इधर चल क्या रहा है? तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने ऑर्गेनाइज किया है क्रॉस द लेक रैम चैलेंज। इसमें गाड़ी लेकर पूरी लेक को क्रॉस करना होगा। जो भी इसको क्रॉस करेगा उसको मिलेगा $5 मिलियन। ये क्या बात कर रहा है? क्रॉस द लेक रैम चैलेंज मतलब हमें जम करके लेक के उस पर पहुंचना है, लेकिन मिलेगा $5 मिलियन। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल ठीक है, मैं भी इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अच्छा बिल्कुल ले सकता है, ये सब के लिए ओपन है, लेकिन तेरा चांस इन दोनों के बाद आएगा। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ये दोनों मेरे से पहले कैसे पहुंच गए। खैर जो भी हो, देखते ये लोग पहुंच सकते कि नहीं। सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे मगरमच्छ की सूट पहन के कौन आ गया? इसको लगता है इतना बड़ा शरीर के साथ जीत जाएगा, बेवकूफ कहीं का। चलो मैं रेड वाला गाड़ी लेता हूँ, ये गाड़ी मुझे सही लग रहा है, इससे मैं ही जीतूंगा। बस मैं गाड़ी को घुमा के लाता हूँ, लेट्स गो। मैंने स्पीड पकड़ लिया है, मुझे हराएगा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। चलो ये बॉल को हटाओ, आ चुका हूँ मैं जंप करने के लिए। ये मेरा गाड़ी उड़ गया, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे नहीं गाड़ी, गाड़ी तो पानी में आ गया। उस बेवकूफ को लगता था वो जीतेगा, तो क्या मैं इधर मुंह देखने के लिए आया हूँ? मैं जीतूंगा, मैं लेके जाऊंगा बस, क्योंकि बस की वेट बहुत ही ज्यादा होता है। बस को मैंने एक बार जंप कराया तो पूरी लेक के आर पार चला जाएगा। चलो बस को मैं घुमा के लेके आ चुका हूँ, मुझे रोकेगा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। चलो मैं जंप कराता हूँ, बस मेरा बस तो उड़ गया, पहुंच जाएगा। अरे क्या हो रहा है? बस नीचे क्यों जा रहा है? अबे तो बोट के ऊपर आ गया, एक ऐसा बेवकूफ बस है। भाई ये क्या था? दोनों के दोनों ही थे बेवकूफ, एक ने बस को जंप कराया और एक ने लेके गया था सुपर कार, बट कोई भी पहुंच नहीं पाया। तो मैं कौन सी गाड़ी लूं? इस तरफ की सुपर कार तो पहुंच नहीं पाया और बड़ा गाड़ी भी पहुंच नहीं पाया। इधर एक रेसिंग कार रखा हुआ है F1, इसकी वेट बहुत ही कम होता है, लेकिन यार क्या ये पहुंच पाएगा? बट इसकी स्पीड बहुत तेज है। चलो मैं भी घुमा के लाता हूँ, देखते जो होगा। ऑल राइट, इस गाड़ी का स्पीड तो बहुत तेज है, अपन शायद से पहुंचेंगे। अरे इतना बॉल फिर से कहां से आ गया? कम ऑन। ऑल राइट, अपनी गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा जंप करके आए। भाई कितना दूर जा रहा है? अबे रुक जा गाड़ी, कहां आ गया है? ओके मैं तो बिल्कुल पैसों के पास आ चुका हूँ, मैंने सही किया था इतना रेसिंग कर लेकर, बड़े गाड़ी इधर फंस गया है। खैर छोड़ो, गाड़ी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इधर रखा है $5 मिलियन की गोल्ड, अपन सबको ले लेंगे एक साथ। चलो मेरे अकाउंट में आ चुका है $5 मिलियन, अभी मैं सीधा चलता हूँ एक और सूट को बाय करने के लिए। ऑल राइट, अपन जंप कर आ चुके इधर। ओए इस बार मैं लेके आया हूँ $5 मिलियन, बता $5 मिलियन में कौन सा सूट मिलेगा? अरे वाह वाह वाह, $5 मिलियन लेके आ गया, इतना जल्दी जल्दी तू पैसा ला कहां से रहा है? खैर जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो पैसा मिलेगा। खैर तुझे $5 मिलियन में वो मोटा सार का सूट मिलेगा। अच्छा इसका मतलब ए वाली सूट, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, इधर एक ऑक्टोपस मैन का सूट था, वो कहां पर चला गया है? अरे मुझे ऑक्टोपस की सूट को भी बाय करना था। खैर कोई नहीं, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। राइट, ये वाली सूट तो कुछ ज्यादा ही मोटा लग रहा है, इतना मोटा सूट है, बट इसके पास पावर कितना है? ये भी थोड़ा बहुत भाग लेता है, लेकिन वो बोल रहा था इस सूट में मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिलेगा। क्या मैं गाड़ियों को उठा सकता हूँ? गाड़ी आ जा। यस, इसने तो एक झटके में पूरी गाड़ी को ही उठा लिया है, इसलिए इसकी ताकत इतना ज्यादा बोल रहा था। चलो मैं इस गाड़ी को छोड़ देता हूँ, गाड़ी तो छोड़ दिया, बट इधर कोई बच्चा रो रहा है। अब इस सड़क में कौन रो रहा है? मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। ओके इधर पार्क के पास कोई है, एक बुढ़ा और एक बच्चा। ये बच्चा रो क्यों रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है। हेलो दादाजी, ये बच्चा रो क्यों रहा है? अरे बेटे मैं क्या बताऊं, ये बच्चा मेरा पोता है, इसको लेकर मैं घूमने के लिए निकला था, लेकिन इसने शॉप पर एक टॉय देख लिया शार्क का, अब उस टॉय को किसी ने बाय कर लिया, तो बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। आजकल के बच्चे भी ना, क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा इसको चाहिए शार्क का टॉय। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास मेरे पुरानी सूट्स हैं। अरे हाँ मैंने $100 से एक सूट को तो बाय किया था, चलो मैं इसको वो वाली सूट देता हूँ। ओए बच्चे रोना बंद कर, ये देख कितना बड़ा शार्क। अरे बाबा बहुत बढ़िया, यही तो मुझे चाहिए था, इतना बड़ा शार्क मिला है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। शुक्रिया बेटा इस बच्चे को खुश करने के लिए। अब बता ये शूट के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? हाँ दादाजी मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ,
नेक्स्ट वाले सूट की प्राइस है $10 मिलियन और मुझे अगर पैसा जमा करना है तो मैं मेरी पुरानी सूट को भी सेल कर सकता हूँ। ऐसे मेरे पास एक आइडिया तो आ चुका है, लेकिन मैं इसके लिए लूंगा दादाजी $1 मिलियन। बस $1 मिलियन? ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं मेरे पोते के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। एने तू $1 मिलियन जा लेके जा। चलो सच में इसने मुझे $1 मिलियन दे दिया है। मैंने इस सूट को सिर्फ $100 से बाय किया था, लेकिन दादाजी इस सूट को आप भी यूज कर सकते हो। आप इसको पहन के समंदर में जा सकते हो और शार्क के साथ बात कर सकते हो। चलो भाई मैं चुपचाप निकल लेता हूँ, बट अभी भी मेरे पास 2 पुराने सूट है, उनको भी मुझे ऐसे ही सेल करना है। अपन ने ट्रक के ऊपर 2 सूट को चढ़ा लिया है, अभी बस मुझे इनको सेल करना होगा। लेकिन ये सूट को बाय कौन करेगा? मगरमच्छ की सूट ले लो, शार्क की सूट ले लो, कोई तो बाय नहीं कर रहा। ओके इधर एक बंदा खड़ा है। ओए इधर आ, देखते तेरे पास कैसा सूट है। चलो इसने मुझे बुलाया है, शायद ये सूट को बाय कर ले। वैसे भी ऐसा यूनिक सूट मिलता कहाँ पर है? इन लोगों ने मुझे रोका था, आपको शार्क की सूट लेना है या फिर मगरमच्छ का सूट? मुझे तो शार्क से ज्यादा मगरमच्छ पसंद है, तो मैं मगरमच्छ की सूट को लूंगा। लेकिन तू बता, इस सूट में कोई फीचर्स है क्या या फिर ऐसे ही फालतू का सूट है? अरे है ना पिस्तौल फीचर्स, आप इसको पहन के काफी ऊंचा जंप लगा सकते हो, तेजी से भाग सकते हो, पानी के अंदर भी जा सकते हो। बस इसकी प्राइस है $5 मिलियन। $5 मिलियन तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे $4 मिलियन दे सकता हूँ। भाई $4 मिलियन भी कम नहीं है, मैंने इसको सिर्फ $1 मिलियन में बाय किया था। चलो ठीक है, मैं तुझे देता हूँ सस्ते में $4 मिलियन दे और ये सूट तेरा होगा। ऑल राइट, एक सूट तो सेल हो चुका है, वो भी $4 मिलियन में। टोटल अभी मेरे पास हो चुका है $5 मिलियन और मुझे $5 मिलियन चाहिए। ओके शहर के इस तरफ के लोगों की घर काफी ज्यादा बड़ा है, शायद ये लोग बाय कर पाए। हेलो कोई शार्क की सूट बाय कर लो, शार्क की सूट मिल रहा है सस्ते में, कोई बाय कर रहा है क्या? रुक जा इधर। ओके किसी ने मुझे बुलाए, शायद इसने बुलाया। चलो मैं ट्रक को रखता हूँ साइड में, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होना नहीं चाहिए। ऑल राइट ट्रक को मैंने रख दिया है, चल के मैं इससे बात कर लेता हूँ। मैं ये शार्क की सूट को सेल कर रहा हूँ, उस सूट की प्राइस है $5 मिलियन। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस मैं हूँ बिजनेसमैन, मुझे पता है। उस सूट के लिए मैं तुझे दूंगा $3 मिलियन, देना है तो दे नहीं तो निकल। भाई ये तो कुछ ज्यादा गुस्से वाला है। अरे नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है आप मुझे $3 मिलियन दीजिए और वो सूट आपका होगा। दोनों सूट को मैंने सेल कर दिया है और अभी टोटल मेरे पास है $8 मिलियन, लेकिन अभी भी $2 मिलियन चाहिए। अरे यार कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा, क्या करूँ मैं? लेकिन इधर क्या चल रहा है, आर्मी की गाड़ी शहर के अंदर? अबे शहर के अंदर फिर से क्या हो रहा है? चलो मैं थोड़ा सा चल के चेक कर लेता हूँ, फिर अपन पैसे को जुगाड़ करने के लिए चलेंगे। ये क्या है जनरल, जनरल इधर टैंक लेके आए? हेलो जनरल इधर हो क्या रहा है? हम लोग आ रहे हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर रेड करने के लिए, देखने के लिए पुलिस बल सही से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने के रास्ते में ही काफी सारे ट्रक खड़ा हुआ है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, शायद ये पुलिस बलों की काम हो सकता है। अच्छा ये बात है, पुलिस वाले शायद नहीं चाहते कि जनरल पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। लेकिन जनरल मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं इन ट्रक को हटा दूंगा, लेकिन मुझे बदले में पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, तू जाके सारे ट्रक को हटा, मैं तुझे दूंगा $2 मिलियन। ठीक है जनरल आपकी काम हो गया समझ लीजिए, $2 मिलियन देंगे मुझे। पहले ट्रक को अपन उठाते हैं और इसको फेंकते सीधा दूर। चलो ये तो फिक के क्या भाई साहब, उसकी टक्कर से वाली गाड़ी भी फिक गया है। बस मुझे इधर क्लीन करना है। ए रहा एक और ट्रक, इसको भी उठाते हैं और इसको भी फेंकते हैं। चलो मेरे को तो बस 2 ही ट्रक को उठा के फेंकना पड़ा, बाकी सब तो टक्कर से फिक के चला के आए। बहुत बढ़िया, तूने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। सोल्जर आगे बढ़ो और ए ले तू $2 मिलियन। ऑल राइट सब सोल्जर और टैंक लेकर जनरल जा रहा है पुलिस स्टेशन में। आप पुलिस वालों की खैर नहीं, खैर मुझे तो $2 मिलियन मिल चुका है, तो मैं चुपचाप निकल लेता हूँ और चलता हूँ आखिरी सूट को बाय करने के लिए। ओए मैं लेकर आ चुका हूँ $10 मिलियन, ए ले तेरे पैसा। अरे वाह मैं तुझे मान गया, जा ये बड़ा सा सूट अब तेरा हुआ। हाँ मैंने $10 मिलियन दिया है तो मेरा ही तो होगा ना, अब इतना बड़ा सूट मेरा होगा। चलो अपन फटाफट से इसको लेते हैं। चलो फाइनली अपन इस सूट को बाय कर लिया है और इसको पहन के चलने में मजा तो आ रहा है, कितना बड़ा साइज है। चलो अपन निकलते इधर से, जंप करते हुए आ चुके एक कोने। भाई समंदर से कुछ जानवर आ चुका है,
ओके, इनका मूवी ऑक्टोपस की तरह है। क्या लोग मेरे दुश्मन है? अरे हाँ, सच में लोग तो मुझे मार रहे। अबे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये क्या चल रहा है मेरे साथ? अब तो मुझे इनको हराना ही पड़ेगा। बहुत हो गया तुम्हारी। चलो भाई, एक के साथ बैंड बजा दिया। यस, इस शॉट की एक झटके से एक मुर्गी आए। कितना पावरफुल शॉट है मेरे पास। चल तू भी निकल। एका और ए ले। ऑल राइट, आखिरकार अपन इसको हरा दिया है। यस, ये और उठ नहीं पा रहा, ये तो समंदर में डूब गया है। खैर जो भी हो गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन ऐसी ऑसम वाली वीडियोस को लाएंगे। एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताओ नेक्स्ट हम लोग किसको अपडेट करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।